Hi friends, my name is Chikas. I welcome you all at my YouTube channel Urinary Bladder and Urethra. So dear students, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके कारण स्कूल्स बंद हो चुके हैं 31 मार्च, और इसके कारण मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स जो 10th क्लास बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट हैं वो मैं करवा रहा हूँ अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप घर बैठकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टॉपिक को स्टडी कीजिए, ताकि आपके स्टडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ बेटा कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो सभी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है और उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में ही रहता है, इसको कैसे बाहर निकालते हैं, तो उस सिस्टम का नाम है वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफरेंट हैव दे हैव द डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट दे कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो मेनली किडनी के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार मेन पार्ट हैं, दो किडनी होती हैं, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो दिस इज द किडनी, दीज आर द यूरेटर, and this one is urinary bladder. And this one is urethra. Many चार component है वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब हम वन बाई वन स्टडी करते हैं कि किडनी के पास जो ब्लड है, ब्लड प्योरीफाई होता है, ब्लड में से जो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड कैरी आउट करता है किसके पास, किडनी के पास। तो ब्लड के पास कौन से ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर आती है, दैट इज द रिनल ओर्टा। ओर्टा कैरी द ब्लड, इम्प्योर ब्लड टू द ईच किडनी, एंड आफ्टर जब ओर्टा इसके पास आती है तो इसको ले जाती है कौन है, दैट इज द वेनाकेवा। ओर्टा कैरी ब्लड टुवर्ड्स द किडनी एंड कैरी आउट बाय द वेना केवा आफ्टर द फिल्टरिंग ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो किडनी के अंदर ये प्रेजेंट कहाँ है, हमारे जो वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द वुमेन बॉडी, आइदर साइड ऑफ द बैक बॉडी, जस्ट बिलो द डायफ्राम। यहाँ पर डायफ्राम होता है, यहाँ पर डायफ्राम होता है यहाँ, और उसके अगर हम देखेंगे तो एट द बैक साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है डायफ्राम के नीचे। तो आप स्ट्रक्चर से देखते हैं कि जो हमारी जो राइट किडनी है, दैट इज द राइट किडनी इज जस्ट बिलो द लेफ्ट किडनी, दैट इज द लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। क्यों? तो राइट किडनी जो है उसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर। लीवर इज प्रेजेंट जस्ट अबाउ द राइट किडनी, किडनी लीवर की प्रेजेंस क्या है, थोड़ा सा नीचे होता है। और अगर हम किडनी की बात करें, अब स्टडी अबाउट द किडनी, तो किडनी का जो कलर है वो कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर
इसका जो साइज होता है वो लगभग होता है 11 सेंटीमीटर, इसकी जो लॉन्ग लेंथ है 11 सेंटीमीटर और विड्थ है इसकी 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है थिकनेस वो लगभग 3 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी जो है वो 11 सेंटीमीटर, विड्थ है उसकी 5 सेंटीमीटर के लगभग और थिकनेस उसकी 3 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और ये जो मीन इसका बीन शेप होता है, शेप कैसे होती है इसकी, बीन शेप। राइट एंड दे देयर शेप बीन शेप होती है, बीन शेप कैसे, इसका जो कॉनवेक्स साइड है और दिस वन इज कॉनकेव साइड एंड कॉनकेव साइड दिस पोर्शन इज नोन एज हाइलम, this is known as hilum and from the hilum and this is known as pelvis, from where this pelvis carry the urine from the kidney to the ureter। iske agar hum weight ki baat kare to its weight is about 150 gram in males and in female it's about 135 ग्राम, तो लगभग ये वेट जो मेल के अंदर वो 150 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर लगभग वो 135 ग्राम होता है। और ये हमारे ब्लड में से जो नाइट्रोजनस बेस है दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, लिक्विड फॉर्म में हमारे वेस्ट मेटल को बाहर निकालता है। हमारी इसकी जो किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज द नेफ्रॉन, यहाँ पर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और दिस नेफ्रॉन और ईच किडनी हैज द अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, हर किडनी के पास लगभग 1 मिलियन या यू कैन से 10 लाख के बराबर नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पर नेफ्रॉन से जो कलेक्टिंग डक्ट है नेफ्रॉन का, कलेक्टिंग डक्ट विल ओपन इनटू द पेल्विस, पेल्विक रीजन, यू कैन से पेल्विस कलेक्टिंग डक्ट, ऑल द कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है वो सारे के सारे किसके अंदर ओपन होती है, इस पेल्विस रीजन में। और पेल्विस रीजन से ये कहां पर यूरेटर कैरी आउट द यूरिन फ्रॉम द पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरेटर्स है ये इसका लगभग जो लेंथ है दैट इज 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो ये डैश मार्क लगा रखा है इट इंडिकेट्स द इट्स लॉन्ग 28 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर and the urinary bladder is the muscular structure and their capacity is capacity of the urinary bladder is about 700 to 800 ml, right, and when the amount of urine is about 300 cubic centimeter, when the amount of urine present in the urine bladder is 300 cubic centimeter, then the filling of maturation takes place. So what is the maturation? Maturation. Important point, maturation is the removing of the waste material. Release of urine from यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना मैच्योरेशन कहलाता है। जब हमें फिलिंग ऑफ द मैच्योरेशन होता है, जब कैपेसिटी कितनी हो जाती है 300, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है यूरिन ब्लैडर की 700 to 800 ml, एंड यूरिन ब्लैडर व्हेन द 300 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट इन द यूरिन ब्लैडर द फिलिंग ऑफ द मैच्योरेशन टेक्स प्लेस एंड द
through the urethra, it's the opening, it opens into the penis. Urethra opens into the penis through which the urine will release out from the body. This urethra is common duct. It's the common duct for semen as well as urine. Urination clear or semen, that consists of the sperm, they have a common duct, that is the urethra. And they have the two sphincter over there, they are present. So I recall this word, I repeat, like human axis system has the mainly four parts, a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. Right, student? So I hope you like this video, and if you have any query, please comment. Thank you.